हेलो एवरीवन वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट आज हम लोग जैकबोर्ड क्लास ट्वेल्थ के लिए फिजिक्स से एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अब ये पार्ट टू है पार्ट वन में हम लोग फोर्टी टू क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं उसके बाद अगला पार्ट में हम लोग ट्वेंटी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले होंगे अब इसके बाद एक पार्ट टॉपिक और आएगा जिसमें हम लोग टेन से ट्वेंटी क्वेश्चन वहां भी डिस्कस करने वाले हैं ओके तो सबसे सब पहले देखते हैं क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर इफ ए सोलिड बॉडी इच नेगेटिवली चार्ज बाय फ्रिक्शन इट मींस दैट बॉडी हैज क्या होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा एक्वाइड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जान लीजिए इसके बारे में जैसे वी नो दैट वे ए बॉडी गेंस इलेक्ट्रॉन्स द बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज द बॉडी बिकम्स पॉजिटिव चार्ज आई द बॉडी इज नेगेटिव चार्ज सो इट एक्वाइड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू नंबर द डायलेट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मेटल्स इच क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इनफिनाइट हो जाएगा और ए रेकेश में पूछा जाएगा तो कितना होता है वन और वही पूछा जाएगा मेटल में इनफिनाइट हो जाएगा थ्री नंबर ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द क्यूब ऑफ साइड एल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब ऑप्शन ए सही होगा क्यूबाई एप्सिलॉन नॉट जानते हैं क्लोज इंटीग्रल्स ए डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सल नॉट नाउ डॉ टोटल फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब कितना होगा क्यूब बाय एप्सल नॉट क्यू इज इनक्लोज्ड क्यूब फोर्थ नंबर ए मेटालिक एस्पीयर इज प्लेस्ड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द लाइन्स ऑफ फोर्स फॉलो द पास एसॉन फिगर देखिए यहां पर जो होना चाहिए ना जो लाइंस जो दिया हुआ है आपको परपेंडिकुलर होना चाहिए देखिए तो परपेंडिकुलर एक ही केस में दिख रहा है यहां पर देखिए डी वाला मैंने कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा फोर वाला जो लाइन सही है करेक्ट है यहां पर देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर द इनटू या कम आउट फ्रॉम द सरफेस इज 90 डिग्री देखिए यहां पर जब इंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ओके okay, जब इलेक्ट्रिक इंटर कर रहा है तभी 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 नाइन्टी डिग्री बना रहा है और जब बाहर निकल रहा है तब भी नाइन्टी डिग्री निकल नाइन्टी डिग्री फॉर्म हो रहा है फाइव नंबर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट्स कंडेंसर डज नॉट डिपेंड ऑन किस पर डिपेंड करेगा देखिए एरिया प्लेट पर डिपेंड करता है मीडियम बिटवीन द प्लेट इस पर भी डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इस पर भी डिपेंड करता है लेकिन यह ऑप्शन बी जो है मेटल ऑफ प्लेट्स पर डिपेंड नहीं करता है कैपेसिटेंस C. C से क्यू चार्ज है भी पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज है और देखिये सी टू K एप्स नॉट A बाई टी देखिये यहां से आपको क्या सो हो रहा है यह एरिया पर डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहा है और डायरेक्टिक कॉन्स्टेंट पर भी डिपेंड कर रहा है इफ ए स्पेयर ऑफ बैड कंडक्टर इज गिवेन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन किस पर होगा देखिए द ऑफ द बैड कंडक्टर इज गिवेन एनी चार्ज देन इट डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि बोथ बोथ सरफेस अब ऑल्सो इन साइड द सर्फेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा लेकिन ऐसा ऑप्शन यहां पर सो नहीं होगा रहा है ऑप्शन डी सही हो जाएगा सेवन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इच नोट द प्रॉपर्टी ऑफ इक् पोटेंशियल सर्फेस फर्स्ट ऑप्शन देखिए दे डू नॉट क्रॉस इच अदर ऑप्शन बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन डिप ये ट्रू है ये भी ट्रू है लेकिन फोर में इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्पीय गलत दिया ऑप्शन सी गलत है ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसके दे कैन है ये एट नंबर इफ ए पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल रिजन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इंक्रीज कर जाएगा क्या कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा यहां पर इसका एक्सप्रेशन देख लीजिए यहां पर देखिए अगर मान लीजिए कि कोई भी यहाँ पर पॉइंट चार्ज है जिसका क्यू है दोनों का पोटें जो चार्ज है ना दो दो केस ले रहा हूं दोनों के चार्ज सेम है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है अलग अलग है ओके तो यहां पर जो एनर्जी निकलेगा क्या होगा वी वन क्यू आ जाएगा ई मिस ई वन मिस एनर्जी और यहां पर क्या होगा ई टू भी टू किया आ जाएगा अब मैं बोल रहा हूं कि हायर पोटेंशियल है वी टू तो क्या हो जाएगा इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा अंत से अब ये एनर्जी भी क्या हो जाएगा बताइए ई टू जो भी होगा ई टू ग्रेटर देन ई वन हो जाएगा एट कॉन्स्टेंट चार्ज पर नाइन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम ऑप्शन डी सही हो जाएगा टेन नंबर वेन प्लेस्ड इन ए एनिफोर्न फील्ड द डायपोल एक्सपीरियंस क्या करेगा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा लेकिन नेट फोर्स जो होगा जीरो करेगा ओके okay? वहीं पर लिखा हुआ यहां पर देखिए एक्सप्लेनेशन इन ए इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ द पॉइंट चार्ज कंपराइजिंग द डायपोल फोर्स इक्वल इन मैनिट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन थ्रू द नेट फोर्स बिल जीरो एंड द टॉर्क विल बी सेम डायरेक्शन फॉर्म बोथ द चार्जेस हैं बी नॉट जीरो मैंने टॉर्क कभी जीरो नहीं होगा इसकेस में और लेकिन नेट फोर्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा इलेवन नंबर ए सॉप बबल इज गिवेन नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस विल बी क्या होगा इनक्रीज किया जाएगा ट्वेल्व नंबर टू कॉपर स्पेयर ऑफ सेम रेडियस वन सोलिड एंड द अदर होलो आर चार्ज द सेम पोटेंशियल विथ विच विल हैव द मोर एनर्जी क्या होगा दोनों माने कि बोथ विल हैव द इक्वल चार्जेज वी डेट चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर देयर हियर द टू कॉपर स्पेयर टू कंडक्टर सो चार्ज इन्फॉर्मली डिस्ट्रेटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉथ स्पेयर क्योंकि वी डेट पोटेंशियल एट द सर्फेस क्या होगा वीजिकल टू क्यू क्यू बाय आर अब देखिए अगर आपका यहां पर देखिए बोथ स्पियर है सेम रेडियस रेडियस सेम है अगर रेडियस आपका सेम है तो चार्ज क्या होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है दोनों का चार्ज क्या होगा चार्ज टू तो हैव द सेम पोटेंशियल दे विल हैव इक्वल तो चार्ज। थर्टी नंबर इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर मीन क्या होगा इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑप्शन बी सही हो जाएगा

ए पैरल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज एंड देख लीजिए अब देखिए यहां पर क्यूज टू सी बी पढ़ चुके हैं टू मेंटेन द चार्ज कॉन्स्टेंट यहां पर है ओके तो सी इज टू पढ़े ऑप्शन नोट ए बाई टी अगर देखिए यहां पर अगर C का वैल्यू देखिए सी का वैल्यू अगर डिक्रीज कीजिएगा तो क्या होगा देखिए अगर डी के वैल्यू डीज इनक्रीज कीजिएगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बताओ डिक्रीज -e कर जाएगा और कैपेसिटेंस डिकीज -e कर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा चार्ज क्या हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा कि है क्यों वैसे यहां पर जो है इसका रिलेशन क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल अब यहां पर क्या है यहां पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है देखिए तो चार अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा और कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा नंबर ए गॉसियन एस्पेयर इनक्लोजिज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल विद इन इट द टोटल फ्लक्स एक्रॉस द एस्पेयर इज क्या हो जाएगा ऑप्शन देखिए ऑप्शन डी जीरो हो जाएगा देखिए अगर यहां पर देखिए डायपोल रखा हुआ है तो माइनस क्यू प्लस क्यू होता है डिस्टेंस डी दिया हुआ है तो टोटल तो चार्ज देखिए अगर टोटल तो चार्ज को नेट चार्ज निकालिएगा तो जीरो हो जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू क्या हो जाएगा टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा इसलिए फ्लक्स भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ओके क्योंकि नेट जो चार्ज है जीरो है तो फोर्स भी जीरो होगा ओके अरे फ्लक्स जीरो हो जाएगा सॉरी या देखिये लिखा हुआ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट द स्पियर जीरो द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस इज ए जीरो नंबर ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई दस द चार्ज बिल बी क्या होगा ऑप्शन बी क्यू इन टू कहने का मतलब क्या है फोर्स इजकल टू क्या होगा क्यू इन टू हो जाएगा ओके इजकअल टू एफ बाई क्यू अब देखिए यहां पर ए लिखा हुआ एफ इजकल टू क्यू क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है एफ क्या है फोर्स क्यू क्या है चार्ज ओके okay? अब यूनिट देखिए बात कीजिएगा तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा वोल्ट पर मीटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह नंबर ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एनालिटिक चार्जेस क्या होगा ओके ऑप्शन डी सर्कुलर लाइंस ऑफ फोर्स ये नहीं होता है देखिए टू टोटल चार्ज कंजर्वेशन सही है क्वांटेटेशन ऑफ चार्ज ये भी सही है टू टाइप्स ऑफ चार्ज ये भी सही है ऑप्शन डी गलत है देखिए टोटल चार्ज कन्वर्स कंजर्वेशन विच करना मतलब है क्यू नेट जीरो क्वान करना होता है क्यू इज इक्वल टू एनी

ऑप्शन बी देखिए अगर निकालिएगा फॉर्मूला से क्यूजकल टू एनी होता क्यू देखिए देखिए इसको वहां पर चार्ज जो ऑप्शन में दिया अगर वन पॉइंट सिक्स से डिवाइड होगा तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ये पॉसिबल है देखिए तो यहां ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा इस केस में नंबर द एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज वन बाई टू एप्शन नॉट ई का स्क्वायर हो जाएगा ओके okay? कैसे अब देखिए इसको देख लीजिए प्रूफ देख लीजिए इसका देखिए एनर्जी एनर्जी अस्टोर इन कैपेसिटर में क्या हो जाएगा एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर वन बाई टू सी बी स्क्वायर भी क्या पोटेंशियल डिफरेंस फॉर पायल प्लेट में क्या होगा सी इजकल टू एप्स नोट ए बाई डी होता है तो ईजकल टू क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर सी के वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर पुट कर दिए हम लोग और डी से मल्टीप्लाई डी से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर क्या आने वाला है देखिए ए एरिया इंटू डी वॉल्यूम बन जाएगा और भी बाई डी क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा यहाँ से देखिए तो फॉर्मुला बन के हो जाएगा क्या जी एनर्जी स्टोर वॉल्यूम क्या हो जाएगा मैंने यू v भी क्या हो जाएगा वन 2 टू एफ a ए का स्क्वायर ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर ट्वेंटी नंबर इफ ए चार्ज ऑन बॉडी इज वन नाइनोकुल वन कुलम है देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रजेंट ऑन द बॉडी क्या हो जाएगा देखिए ऑप्शन डी सही होगा इसका एक्सप्रियस मैं बता चुका हूं यहां से आपको यहां से निकालना के देखिए टोटल चार्ज दिया हुआ यहां पर टोटल चार्ज कितना दिया टोटल चार्ज दिया हुआ है कितना वन नाइनो कुलम नाइनो मीस माइनस नाइन इतना कुलम हो गया ओके अब आपको निकालना हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स तो देखिए क्यूज कल टू तो फॉमुला पढ़े एन इन ए पढ़े हैं हम लोग तो क्यू के देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए टेन के पावर माइनस नाइन और डिवाइडेड

ये अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू पावर नाइन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ओके ये था कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर इसमें दो चैप्टर हैं आपके पास फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर मिलाकर बनाया गया है दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ठीक है तो यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना मैं आपको दिया हूँ अब एक पार्ट अभी और आएगा इसका जितना भी अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट सेशन में देखने को मिलेंगे आप लोग को ओके जितना ज़्यादा हो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो